हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपका दोस्त नूर मोहम्मद, ये आप इसको जानते हो, आयुष को। तो गाइस, आज हमारा प्लान है कि हम बाथरूम जाएं घूमने के लिए। सैटरडे वीकेंड प्लान जो है मतलब रैंडमली बनाया है, किसी को इतना पता नहीं था कि पहले से ही कि जाएंगे नहीं जाएंगे। तो गाइस, हम लोगों ने बैठे थे और हमने डिसाइड किया चलो आज बाथरूम ही चलते हैं, बिकॉज कल छुट्टी है हमारी और फिर बीच में संडे भी आ रहा है, तो दो दिन वहाँ इंजॉय करेंगे। और अभी बजाए 10, तो अभी हम सोचते हैं 2 घंटे की नींद ले लें। भाई हम लोग ने डिनर कर लिया है, बिल्कुल मस्त डिनर हो गया अपने हमारा, हाथों से बना के डिनर करा है। और फिर उसके बाद अभी सोने का प्लान है, फिर सुबह उठते हैं, फिर आपको मिलते हैं गाइस। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी आ गई है, गाड़ी हमारी टैक्सी आ गई गाइस, अभी हम चलते हैं टैक्सी में। तो मेरिडियन बिल्डिंग। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाथरूम। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बाथरूम और देखिए आप बाथरूम की बिल्डिंग देखिए गाइस, क्या बिल्डिंग है। और यहाँ का बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी है लोगों ने और अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छे लुक्स हैं यहाँ का देखने में। और मैं आपको दिखाता रहूँगा सारी वीडियोस, आप बने रहें मेरी वीडियोस में गाइस। गाइस ये देखो आप बिल्डिंग्स, एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो गाइस, एक बिल्डिंग और देखो, और ये पार्क है इधर, गाड़ीज खड़ी इधर, ये बिल्डिंग देखो गाइस आप, क्या ही बनाया है यार इधर इन लोगों ने, इतना अच्छा नज़ारा लगाया इधर का, क्या ही बनाया है यार। सो गाइस, हम लोग बाथरूम में पहुंच चुके हैं, फिर हम लोग को लगी थी भूख और हम आए हैं बिग पिज़्ज़ा अरोमा, आप लोग को दिखाएंगे कैसा है। रेस्टोरेंट तो अच्छा है, अब डिश वगैरह खा के देखते हैं कैसा लगता है, खाएंगे तो आपको भी बताएंगे हाउ इट इज़। प्रोवाइड तो किया है, मेन्यू आपको शेयर कर देंगे वीडियोस में, आप देख लेना कि कितने लार्ज कितने पीसेस पे पड़ते हैं, उसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग को नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर पड़ेगा देखने के लिए। तो गाइस, मैंने इसके हाथ से छीन लिया है थोड़ा सा कैमरा, बिकॉज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ गाइस, जिसको देख के आप पागल हो जाएंगे, आपको मन कहेगा गोवा हटाओ, लैस वेगास हटाओ, सिर्फ आपको आने का मन करेगा बाथरूम में गाइस। क्या है तुमने? ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, ये साला मेरे हाइट के बराबर है यार, मेरे हाइट भी छोटा हो गया भाई, मैं इनके सामने देख रहा हूँ। अरे वाह गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये व्यू कहीं नहीं पाएंगे आप गाइस, सच में बहुत ही खूबसूरत है बाथरूम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इधर आके हमें तो, बहुत बढ़िया गार्डन हो रहा है। और असद भाई, तुम अपना कुछ बताओ, कैसा लगा आपको इधर आके, कैसा फील हो रहा है तुमको, कैसा लगा? जगह तो सही है, मुझे यहाँ का माहौल पसंद है, आई लाइक, जैसा हमारा दुबई है और भी जगह है बाहर है रोड में,
तो ये वहाँ के मुकाबले कैसा लगा आपको? बाकी सब तो सही है, लेकिन अभी मैं एक्साइटेड हूँ बीच के लिए। अभी हम जाते ही जा रहे हैं बस, अभी बस थोड़े से वाटरफॉल फाउंटेन देख रहे हैं आसपास। यहाँ ये देखो कुछ बिल्डिंग्स के साथ में। ओके, अभी हम लोग घूम रहे हैं बैम्बू गार्डन के बोटानिकल रीजन पे। बोटानिकल सही है, बहुत खूबसूरत है गाइस। ये है बुलेवार्ड 1881, दिखा दे बुलेवार्ड इनको। दिखाता हूँ, ये देखिए अब तो गाइस अभी हम लोग पार करने वाले हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बीच। ये गाइस ये देखिए, इधर बिल्डिंग्स बनी है बहुत ही। Guys, we are going towards to the sea face. That is the Black Sea. Yeah. Have a minute. We will show you the complete Black Sea. Yeah. ऑफकोर्स यार पानी तो ठंडा हो गया। विंटर में आए गाइस, अभी हम आपको समर में भी दिखाएंगे। इस समर इसको आपको एक बार एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं पूरा झूला दिखाऊंगा गाइस मैं आपको। आपसे मेरा प्रॉमिस है, आप बने रहें मेरी वीडियो में। और गाइस जरा थोड़ा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। ऐसी ब्लैक सी है जिसका कोई एंड नहीं दिख रहा। ये हमारे असद भाई है और ये हमारा आयुष। ऑल गुड ऑल गुड। दैट्स अ बातुमी गाइस, दैट्स अ बातुमी। हाउ कंप्लीट व्यू बातुमी। समुंदर की लहरें देखी गाइस साहब, आवाजें भी बहुत प्यारी आ रही गाइस। समुद्र देख रहे हैं आप, जो पानी की लहर है, तो लो आप लहर देखो। तो ये समुद्र आपको कैसा लगा भाई? ये सब भाई समुद्र के बारे में कुछ बताओ यार हमको। ठंड ना होती ना तो डुबकी जरूर लगाता।
लेकिन अभी सिर्फ पैर गीला करके आऊंगा बस बस थोड़ा थोड़ा एंजॉय करेंगे इस पानी। लेकिन हम वापस आएंगे इस समुद्र में वादा करते हैं, हम आएंगे तेरे पास समर में, वापस आएंगे भाई समर में जरूर आएंगे और ट्रिप के लगा के जाएंगे जरूर ना के गाइस। अब हम हर वीकेंड पे यहां पर आया करेंगे मस्त एंजॉय करने का, सबसे बेस्ट प्लेस है अपने लिए। और ये छोटा लैस वेगस समझिए गाइस, यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे कम हो, बेस्ट है भाई। करेक्ट, बहुत ही अच्छा है। और आप मेरे हिसाब से यहाँ विजिट करें, आप अगर जॉर्जिया आए हैं तो यहाँ आकर विजिट जरूर करें, ये जगह ना छोड़ के जाएं। विजिट भाई कत्ते भूलना मत यहाँ आना, ठीक है? बहुत मतलब भाई तुम जॉर्जिया में हो तो तुमको भाई बतूमे में भी होना ही चाहिए, अगर बतूमी नहीं आए तो जॉर्जिया नहीं आए, मत आना भाई जॉर्जिया। तो गाइस आप कुछ खा लीजिए, हम लोग खा रहे हैं और समुद्र के किनारे बैठ के हम कुछ खा रहे हैं। Cheers guys, चिप्स है और बिस्कुट है और कोल्ड ड्रिंक है। गाइस ये देखो मुड़े को। तो गाइस हमको घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया इधर ब्रिज पे, ब्रिज बहुत अच्छा है इधर यार, लेकिन इस टाइम पे थोड़े कम लोग आए ना तो अच्छा लग रहा है घूमते हुए। लेकिन समर में मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और अच्छी खासी भीड़ रहती है, अच्छा सिस्टम है इधर इंजॉय करने के लिए। तो गाइस अगर आप कभी भी आए ना तो सिर्फ समर में आए, और वैसे आप विंटर में भी आ सकते हैं, विंटर में एक अलग लुक मिलता है। और ये कंट्री बहुत खूबसूरत है यार, ये कंट्री जो है खूबसूरत और पीसफुल है, शांति है इस कंट्री में। और आप देख रहे हैं गाइस कितना अच्छा है इधर, मैं आपको समुद्र दिखाऊंगा गाइस, ये पीस देखो आप समुद्र, इसको फ्लैक्स ही बोला जाता है। और टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिस्ट देखो कितने आ रहे हैं। चलो गाइस दिखाता हूँ आपको, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई हवा चल रही है, बहुत अच्छा माहौल है मौसम में आज।